Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel Kusum's Lifestyle. So how are you all? I hope ki aap sab mast hoge and swasth honge. So finally I'm back with my another video or you can say new video. So aaj ka jo video hone wala hai wo hone wala hai testing out video kyunki maine kuch fashion hacks dekhe the 5 minutes crafts ke. Let's see ki kya real life mein wo work karega ya nahi karega. To aaj hum test karne wale hai, try on karke ki useful hai ya nahi hai. सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल आएगा. इफ यू आर सो मच टू गिव द थम्स अप, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कुसुम लाइफस्टाइल. सो विदाउट डू एनी फर्दर लेट गेट स्टार्टेड. सो आई हैव माय फोन विथ मी. ओके, जो फर्स्ट स्टाइल है उसके लिए यू नो आपको स्लीवलेस है ना. आप अगर हमने टॉप पहन के आए स्लीवलेस कुछ भी हमने आउटफिट वेयर किए तो यहाँ पर यू कैन सी ये इसकी स्लीव आप देख सकते हो इतनी सी है. तो मुझे ना ये फुल स्लीव बनाना है ठीक है. सो उसके लिए यहाँ पर एक हैक है. तो इसमें क्या किया ना इन्होंने एक टॉप वेयर किया तो उसके ऊपर एक दुपट्टा लिया है. दुपट्टे को नेक के अराउंड यू नो ब्रैप करके देन यहाँ से यहाँ पे टाई किया. तो लेट्स सी कि कैसा लुक आता है. टेस्ट इट आउट फॉर यू गाइस. सो लेट्स सी. ओके, सो फॉर दैट आई हैव दिस दुपट्टा की ये कलर इसके साथ अच्छे से जा रहा है तो मैंने सोचा है वाई नॉट इसको इसके साथ ट्राई करते. सो इसको पहले ना हमें अच्छे से फोल्ड करना है और इसको आई थिंक यस यहाँ से पीछे से आगे लेकर आना है. मैं पहले हैंड निकाल लेती हूँ लाइक दिस एंड देन यहाँ पर ये जो है इसको आपको स्लिप के ऐसे अराउंड घुमाकर देन यहाँ से ये जो दोनों कॉर्नर है ना एंड्स वाले उसको अच्छे से हम टाई कर लेंगे. आई थिंक मुझे अच्छे से टाई करना था. मैंने हल्का से टाई किया ना थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं. इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे. सो यू कैन सी ऐसा लग रहा है. प्लस आई डोंट नो इसका फैब्रिक की वजह से आई थिंक ऐसा लुक आ रहा है बट यू कैन सी यहाँ से ऐसे कवर तो हो ही जाएगा. मतलब किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ स्लीवलेस वेयर किया. बाय द वे फोटोग्राफी के अकॉर्डिंग तो ये वाला आप ट्राई कर सकते हो एज अ फोटोग्राफी के लिए यस. बट रियल लाइफ में आई डोंट थिंक कि मैं इसे इसको ऐसे ब्रैक करके जा सकती हूँ कहीं बाहर. यू कैन सी ऐसा लग रहा है. सो मैं इसको आपको फुल लुक भी दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है. ओके, सो मूव टू द अनदर हैक. सो अनदर जो स्टाइल है उसके लिए भी यू नो सेम दुपट्टे से ही करना है बट उसमें क्या किया ना सेम कलर का यू नो सेम शेड का ही दुपट्टा लिया है एंड स्लीव ना उसके अंदर से लेकर आना है एंड देन यहाँ पर सेम जिसको टाई किया वैसे टाई करना है. बट मैंने सोचा है कि इसके लिए मैं एक और दुपट्टा यूज करूंगी और इसके लिए मैं कॉन्ट्रास्ट में रखने वाली हूँ क्योंकि ये येलो एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है तो मैं वो ब्लू एंड येलो ही रखते ब्लैक सी कैसा लुक आता है. ओके, सो उसके लिए लिया है मैंने ये दुपट्टा मतलब कॉन्ट्रास्ट में लिया है. यू कैन सी यहाँ पे येलो एंड ब्लू है. सो लेट्स फाइन देखते हैं कैसा लुक आता है. सो इसके लिए भी सेम पहले आपको इसको साथ में इकट्ठा करना है एंड देन आपको नेक के इससे मिडल रखा एंड देन ये जो आपकी स्लीव है ना इसके अंदर से इसको लेकर आना है. ओह माय गॉड. ओके ठीक है, फिर इसको यहां से लेकर अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से एंड देन यहां से आपको इसको टाई करना है. सेम जो उसमें टाई किया था ना सेम वैसे इसमें करना है बट मैं सोच रही हूँ इसमें ज्यादा कवर कर लूं. इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं. सो नाउ यू कैन सी ऐसा लुक आएगा. आई डोंट थिंक कि मैं इसको ऐसे कहीं वेयर करके जा सकती हूँ बट फोटोग्राफी के अकॉर्डिंग आप ये वाला ट्राई कर सकते हो. ऐसे तो अच्छा ही लग रहा है. आई थिंक इसके साथ मुझे उस दुपट्टा को पेयर करना चाहिए था बट मैंने सोचा कि इसके साथ थोड़ा डिफरेंट कलर लिया जाए तो आइडिया आए कि क्या ये रियल लाइफ में यूजफुल है और नॉट. आई डोंट थिंक कि मैं इसको ऐसे वेयर करके जा सकती हूँ. ऑब्वियसली किसी को भी पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर स्टाइल की पहले तो आप देख लीजिए यहाँ पर ही देख लीजिए. अगर आप इन्हों बन बनाकर जा रहे हैं ना हाई बन तो ये तो आप कर ही नहीं सकते पेंसी बट ऐसा लुक आ रहा है. सो लेट्स मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ. ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट वन है उसके लिए यहाँ पर आपको यू नो लॉन्ग स्कर्ट लेना है
एंड देन लॉन्ग स्कर्ट लेकर देन आपको अपने बस्ट पर इसको एडजस्ट करके वेयर करना है एंड देन यहाँ पर कोई भी आपका बेल्ट वेयर कर लेना है जो भी आपके पास हो अवेलेबल. सो लेट्स सी कैसा लुक आता है. सो आई हैव दिस स्कर्ट विथ मी, यू कैन सी आप इसका फ्लेयर देख सकते हो. सो लेट्स वेयर इट. सो इसको ना आपको ऐसे वेयर करना है, बस यहाँ से आपको बेल्ट भी वेयर करनी है. स्कर्ट था ना वो मैंने यहाँ पर वेयर कर लिया, यू कैन सी यहाँ से हल्का सा दिख रहा होगा बस्ट के ऊपर वेयर किया. बट सॉरी गाइस बिकॉज आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ यू नो ऐसे ऑफ शोल्डर, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने इसके ऊपर यू नो क्रॉप टॉप ऐसे वेयर कर लिया है, इसके हल्का सा यू नो मैच हो रहा है इसके साथ. सो दैट्स व्हाई यू कैन सी ऐसा लुक आ रहा है. मतलब ऐसे भी आप पेयर अप कर सकते हो तो ये लुक अच्छा लग रहा है. कैन सी यहाँ पर बेल्ट भी यू नो क्योंकि उन्होंने बेल्ट इंक्लूड करी थी ना, तो डेढ़ सा यहाँ पर भी मे भी बेल्ट को इंक्लूड करने वाली हूँ. लुक आएगा. सो चलो मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ. ओके सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टाइल. तो नेक्स्ट स्टाइल है उसके लिए ना जो आपने टी शर्ट बेसिकली वेयर करी है, अगर आपको कोई पार्टी लुक क्रिएट करना है तो जस्ट उसको आपको उल्टी वेयर करनी है. ओके सो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास है ये पिंक बेसिक्स टी शर्ट, क्योंकि उन्होंने ही पिंक ली है तो मैंने सोचा वाई नॉट हम भी पिंक लेते हैं. तो लेट्स ट्राई इट आउट गाइस. नाउ यू कैन सी ऐसा लुक आ रहा है. देन आप चाहो तो यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट भी कर ले सकते हो, अनकम्फर्टेबल लग रहा है बट ओवरऑल लुक अच्छा आ रहा है. मतलब आप ऐसे कोई वीडियो देन कोई फोटोग्राफी के लिए चाहो तो ऐसे स्टाइल कर सकते हो, बट ऐसे तो आई डोंट थिंक कि मैं इसको यूज कर सकती हूँ अपनी रियल लाइफ में, क्योंकि आई एम नॉट कम्फर्टेबल. एक ट्विस्ट थोड़ा करके हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो. गाइस सो नेक्स्ट जो लुक है उसके लिए टी शर्ट है, उन्हें जो जैसे हम वेयर करते हैं ना बेसिक सी, वैसे मैंने इसको वेयर कर दिया. बट इसकी लेंथ देख सकते हो काफी अच्छी खासी लेंथ है. सो यहाँ पर एक और हैक है, ऐसे फिंगर ऐसे करके देन थोड़ा सा ट्विस्ट करके देन प्लेट्स बनाकर इकट्ठा करके देन रबर बैंड से सिक्योर करना है. तो लेट्स सी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. यहाँ पर ऐसे में फिंगर रखूँ ठीक है, ये वाला पोर्शन ऐसे, फिर इसको ऐसे लेकर जाएंगे एंड देन यहाँ से क्रॉस बन गया. तो यहाँ से इसको प्लेट्स बनाते हुए जाना है. ओके देन यहाँ से ऐसे ओके एंड देन इसको अंदर की तरफ टक इन कर देना है. सो नाउ कैन सी ऐसा लुक आएगा. ओके सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट हैक. तो उसके लिए पहले तो मुझे वो आउटफिट वेयर करके आना पड़ेगा. ओके सो यू कैन सी जैसे हम ऐसे कोई ब्रॉड नेक वाले यू नो आउटफिट वेयर करते हैं तो कैन सी यहाँ पर हमारी जो स्ट्रेप्स है वो दिखकर आ जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. तो उसके लिए यहाँ पर एक हैक है कि स्ट्रेप है उसको आपको हल्का सा ट्विस्ट करके देन फिर आपको उसको वेयर करना है. तो लेट्स सी कि क्या वो वर्किंग है या नहीं. यू कैन सी अभी ये दिख रही है तो लेट्स सी कि वो दिखेगी या नहीं दिखेगी. तो मैं आपको मिलती हूँ ट्राई करने के बाद. सो नाउ कैन सी दिस इज द फाइनल लुक. ओ माय गॉड, मतलब यू कैन सी स्ट्रेप्स यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ चली जाती है ना, यहाँ से सिर्फ ट्विस्ट किया है तो ओ माय गॉड. मतलब आपको हल्का सा यहाँ पे फील होगा कि हाँ यहाँ पर आपने कुछ किया है, बट ऐसे कोई देखेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने ऐसा कोई हैक ट्राई किया है. यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट गाइस एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बॉक्स कि क्या आपके लिए ये वर्किंग है या नहीं है, बट मेरे लिए तो है गाइस. सो नाउ मूव टू द लास्ट वन हैक है. उसके लिए ना आपको ओवर साइज यू नो स्वेटशर्ट लेना है, स्वेटशर्ट लेना है. तो लेट्स चेक इट आउट कि क्या मेरे पास ऐसा कोई है. अगर है तो लेट कंटिन्यू इट. उसके लिए है यहाँ पर मेरे पास ये टी शर्ट जो कि मेरे हस्बैंड का है. सो लेट्स सी क्या इसके साथ वो वर्किंग है या नहीं है. सो नाउ कैन सी सिंपली ऐसे वेयर करते ना तो ये कितनी ओवर साइज है और मैं कैसे दिख रही हूँ. और नीचे से भी देखो ओ बहुत ही ज्यादा लॉन्ग भी है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है. तो इसके साथ में वो ट्राई करती. ओके सो पहले आपको क्या करना है कि ऐसे वेयर करें तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ से स्लीव पहले स्लीव निकाल देनी, मतलब हैंड आपके निकाल देने एंड देन ये पूरा पोर्शन उसको नेक के अराउंड लेकर आना है, पीछे लेकर आना है एंड देन यहाँ से इसको ऐसे फ्रैप करना है. तो लेट्स सी कैसा लुक आता है. ओके
सो वो जो टी शर्ट में करने वाली थी ना, वो नेक इसकी इतनी नेरो थी ना कि ऊपर से जा ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर मेरे पास एक और ऑप्शन था, ये मेरा स्वेट शर्ट है, यू कैन सी। ये मैंने क्लब फैक्ट्री से परचेस किया था जब बहुत ही ज्यादा रिजनेबल प्राइस में मिल जाते थे ना, लेकिन मुझे ओनली 27 रुपीज में मुझे टॉप स्वेट शर्ट मिला था उस टाइम पर। यू कैन सी ऐसा लुक आ रहा है, एंड आई जस्ट लव दिस लुक। ओह माय गॉड, मतलब आप इसको वेयर करके जा सकते हो। यू कैन सी जैसे वीडियो में दिखाया, अगर वैसे इसके साथ कोई नो डेनिम की जैकेट आप पेयरअप करोगे ना तो अच्छा लुक आएगा, बट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं कर रही हूँ, बट आप चाहो तो पेयरअप कर सकते हो तो अच्छा लुक आएगा। ओ माय गॉड, आई जस्ट लव दिस लुक, आप ये लुक डेफिनेटली ट्राई कर सकते। ओके सो मूव टू द लास्ट वन, तो उसके साथ क्योंकि मेरे पास डेनिम जैकेट नहीं है ना, तो लेट्स सी या वो इसके साथ वर्क होगा या नहीं होगा। ओके सो इसके लिए है यहाँ पर मेरे पास ये शर्ट, तो जस्ट आपको क्या करना है कि ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है, तो इसको ना यहां से इसको वेयर करना है से, अच्छा ये ऐसे आ जाइए ना, ठीक है, फिर यहाँ पर ये यहाँ लेकर आना है, फिर ये जो स्लीव है उसको भी ओह माय गॉड वेयर कर लेनी है। यहाँ पर जो कॉलर है, आई होप कि आपको दिख रहा हो, उसको इसके अंदर इसे भी टकी कर रही हूँ। तो ये हो गया है हमारा कवर अप, पहले मैं चेक कर लेती हूँ, ऐसे ही किया है ना, कोई अलग लग रहा है मुझे थोड़ा सा, अच्छा ऐसे ही किया है। सो यू कैन सी इसको ऐसे ही रखा है, सो ये है हमारा कवर अप। यू कैन सी ऐसा लुक आएगा, प्लस आप चाहो तो इसको यहां से भी पिनअप कर सकते हो, तो भी अच्छा लुक आएगा। सो मैं बोल रही थी मेरे पास डेनिम नहीं है, बट यू कैन सी इसके साथ भी अच्छे से जा रहा है। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो, आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल रहा होगा। इफ यू आर स्टैंड प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड यस गाइज, डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट ऑन माई कॉमेंट सेक्शन बॉक्स कि आप सबसे ज्यादा कौन सा है अच्छा लगा प्लस हेल्पफुल लगा, लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन बॉक्स। प्लस आप घर पर भी इसको ट्राई कर ही सकते हो, आपको पता चल ही जाएगा कि या वो हेल्पफुल है या नहीं है। जो आप मेरे हैक्स देख रहे हो और मैंने बोला कि हाँ यूजफुल है, तो आप वो वाला डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, फिर मुझे भी कॉमेंट करना कि क्या आपने ट्राई किया, तो क्या वो वर्किंग है या नहीं है। और मैं सोची कि कॉलर को ना इसके अंदर ऐसे रखना चाहिए था ना, तो अच्छा सा लुक आएगा। यू कैन सी ओ ऐसे ही रखना था पहले से, यू कैन सी ऐसा लुक आ रहा है, और ये मेरी स्टाइल है। यू कैन सी मैं मिलती हूँ आपको मेरे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग एंड धमाकेदार वीडियोस के साथ। देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्ट।